तीन आंख वाली बहू घनश्याम और सुनीता को एक बेटा और बेटी थे। बेटे का नाम था अक्षय और बेटी का नाम था खुशबू। अक्षय की शादी हो चुकी थी और अक्षय की पत्नी का नाम अदिति था। अदिति घर के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती थी। दिन में सोना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था, रात को भी सोती तो ऐसी कि नींद की जरा सी आहट पर जाग जाती। वो क्या है ना, अदिति को घर के सब लोगों पर नजर रखने की बुरी आदत थी, इसलिए उसका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ खुराफात सोचता ही रहता था। घर में चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन अदिति को उस बारे में पता रखना, फिर उस पर कमेंट करना, इन दोनों ही बातों का बड़ा शौक था। इसकी वजह से बेचारे घर वाले बुरी तरह से परेशान थे। कोई भी काम करते हैं तो डर डर कर किया करते, ये सोचकर कि पता नहीं अदिति को पता चल गया तो वो क्या क्या सुनाएगी। हाँ यार, आज कॉलेज छोड़कर मूवी देखने चलेंगे। नहीं नहीं, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मम्मी से कहूंगी कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है और बस, उसके बाद सीधे मूवी और बाहर कुछ खा पी कर ही घर आएंगे। तभी पीछे से अदिति वहां पर आ जाती है। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है खुशबू मैडम, और वो भी घर वालों को बताए बिना? अरे भाभी आप। हाँ मैं यहाँ, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। कॉलेज के बहाने पिक्चर जाने का प्लान बना रही हो ना तुम? भाभी अब आपसे तो कोई नहीं बच सकता। मुझे लगा कि आप घर पर नहीं है, इसलिए छुपकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। आप बिना कहीं से भी टपक जाती हैं। ठीक से बात करो मुझसे, अभी जाकर मम्मी पापा जी को बता दूंगी कि आपकी बेटी कॉलेज के बहाने अपने दोस्तों के संग फिल्म देखने चली है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा प्लीज मत करना। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना। अगले दिन सुबह के वक्त। क्या बात है पापा, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब क्या बताऊं बेटा, इस उम्र में घर पे पड़े मन नहीं लगता। रिटायर्ड हो चुका हूँ, अब तो कोई दोस्त भी नहीं है। ये बात तो सही है पापा, इस उम्र में मन लगाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। आप कहे तो मैं आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊं। क्या पापा जी, अब अपने बेटे से तो झूठ मत बोलिए। मतलब मैंने क्या झूठ बोला? मैंने देखा था पापा जी, सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पार्क में कम से कम 10 से 15 दोस्त हैं आपके, किस तरह हंसी ठिठोली कर रहे थे आप सब। सब देखा था मैंने। हाँ दीदी ठीक है बेटा, है मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं तो बस ऐसे ही उदास बैठा था, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था ना इसलिए। मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता पापा जी, सब जानती हूँ मैं। मेरी ना तीनों आंखें खुली रखती हूँ। लेकिन बेटा वो सारे दोस्त सुबह के वक्त मिलते हैं, उसके बाद तो सारा दिन बोर हो जाता हूँ ना मैं। पापा जी मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए, किसी एनजीओ से जुड़ जाइए और उनके साथ काम करिए। इस तरह घर में सारा दिन खाली बैठे रहने से क्या होगा। लेकिन अदिति, अगर पापा को एनजीओ के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों करेंगे? मैंने कहा ना, पापा जी के लिए वही बेस्ट है। मेरी जान पहचान का एक एनजीओ भी है, मैं वहां पर बात कर लेती हूँ। पापा जी आप कल सुबह उठकर वहां चले जाना, आपका मन लगा रहेगा। कुछ दिनों बाद। माँ वो मेरी कॉलेज में ना एनुअल फंक्शन है, तो मुझे एक नया ड्रेस खरीदना था, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। खुशबू अभी पिछले महीने ही तो तुझे इतना सुंदर ड्रेस दिलवाया था, वही पहन ले बेटा। मम्मी वो ड्रेस तो मैं अपनी दोस्तों के सामने पहले ही पहन चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड की बर्थडे में। अब फिर से एनुअल फंक्शन पे वही ड्रेस पहनूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? तू बहुत बिगड़ती जा रही है, मेरी कोई बात नहीं सुनती खुशबू। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ खुशबू का थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी बिगड़ जाए। लेकिन भाभी मैंने ऐसा किया भी क्या, ड्रेस खरीदने से बिगड़ने का क्या कनेक्शन है? चलो ड्रेस खरीदने से ना सही, लेकिन छुप छुप कर मूवी देखने जाने से तो कनेक्शन है ना। क्या कहा तुमने, कौन जाता है छुप छुप कर पिक्चर देखने? आपकी बेटी खुशबू, और कौन पापा जी। और क्या पता ये नया ड्रेस किस लिए खरीद रही है,
हो सकता है आप लोगों से झूठ बोलकर कल को शहर के बाहर पिकनिक मनाने भी चली जाए। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी ये मेरी लाइफ है, कॉलेज लाइफ सबकी जिंदगी में एक बार ही आती है, अगर मैं उसे एंजॉय करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? वो सब छोड़ो खुशबू, साफ साफ बताओ क्या तुम हम लोगों से झूठ बोलकर फिल्म देखने गई थी? नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी तो कुछ भी बोलती है। अच्छा मैं कुछ भी बोलती हूँ? एक मिनट रुकिए मम्मी जी, मेरे पास ना सबूत है इस बात का। अदिति अपने फोन में खुशबू और उसकी सहेलियों का फोटो दिखाती है जिसमें वो फिल्म देखने गए थे। लेकिन भाभी आपको ये पिक्चर्स किसने दी? कौन देगा, उस दिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई थी तुम पर नजर रखने के लिए कि आखिर जाती कहाँ हो तुम। बहू माना कि खुशबू अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी, लेकिन इस तरह उसका पीछा करके उसकी जिंदगी पर नजर रखना ये तो अच्छी बात नहीं। हाँ बेटा तुम सब लोगों की जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम सबको कंट्रोल कर सकती हो? कंट्रोल नहीं, इसे नजर रखना कहते हैं पापा। मैं ना अपनी सारी आंखें खोल कर चलती हूँ, अरे कल को कोई गड़बड़ ना हो बस इसलिए। हाँ आप लोगों को तो हर बात का बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद अक्षय अपने ऑफिस से काफी देर से लौट कर आता है। क्या बात है, रात के 10 बज गए, वैसे तो आप 6 बजे तक आ जाते हैं, आज इतना लेट कैसे हो गए? कुछ नहीं अदिति, वो बस ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए देर तक रुकना पड़ा। कोई बात नहीं भैया, कभी कभी चलता है, वैसे भी ये आपकी लाइफ है, अगर आप काम के अलावा भी अपने लिए कुछ करें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। हाँ हाँ खुशबू तुम तो अपने भाई की साइड लोगी ही, क्योंकि तुम भी तो यही सब करती हो ना। भाभी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, और वैसे भी आप क्यों नाराज हो रही हैं? भैया ऑफिस से काम करके सीधे घर ही तो आ गए हैं ना। वो क्या है ना खुशबू, तुम्हारे भैया मुझे पागल समझते हैं, मुझे सब पता है, ये अपने दोस्तों के साथ पिछले 3 घंटे से आवारा गर्दी करके घर आए हैं और यहाँ मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि ऑफिस में काम ज्यादा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ये बात सही है कि 9 बजे फ्री हो गया था, उसके बाद कुछ देर अपने दोस्तों से बातें करने लग गया और हम लोग कॉफी पीने चले गए थे बस। इसी को तो अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना कहते हैं, बीवी से झूठ बोलकर दोस्तों के साथ घूमते हो आप। लेकिन अदिति तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने गया था? अरे पता कैसे नहीं चलता, आपके दोस्त को फोन करके सारी खबर ले ली थी मैंने। आप पर पूरी नजर रखती हूँ मैं, मुझसे कुछ भी छुपाने की कभी भी कोशिश मत करना। अदिति माना कि मैं तुम्हारा पति, लेकिन मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, इस तरह नजर रखने का क्या मतलब है? अब आप इसे कुछ भी समझे, बस ये आदत है मेरी। और सुनो अगली बार से ऑफिस से सीधे घर आना, समझे? घर में एक बीवी भी है जो तुम्हारा इंतजार करती है। आए बड़े दोस्तों के साथ कॉफी पीने वाले। इतना कहकर अदिति वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, भैया आपको नहीं लगता भाभी हम सबकी लाइफ को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती है? मेरा मतलब आप और मैं तो क्या, लेकिन उन्होंने तो पापा को भी नहीं छोड़ा। वही तो, मैं भी परेशान हो गया हूँ अदिति की इस आदत से, हर बात पर नजर रखती है। यार मेरे किसी दोस्त का कॉल आया, मैंने उससे बात क्या कर ली, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ भैया, भाभी की नजरों से तो बचना बहुत मुश्किल है। अपनी किसी सहेली से फोन पर बात भी करती हूँ ना तो उसकी सारी डिटेल भाभी को पता होती है। जानते हैं मेरी सारी सहेलियों के नंबर अपने फोन में सेव करके रखती है और कभी भी किसी से कुछ भी पूछ लेती है। वाकई में मेरी बीवी से तो भगवान ही बचाए। और फिर कुछ दिनों के बाद, बहू मैं जरा अपनी सहेली को मिलने जा रही हूँ, 2 घंटे में लौट आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, जल्दी आइएगा, फिर शाम का खाना देर से खाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है ना आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी लौट आऊंगी। शाम के वक्त, मम्मी जी आपने तो कहा था कि आप अपनी सहेली को मिलने जा रही हैं। हाँ तो सुनीता अपनी सहेली को ही मिलने गई थी, और कहाँ जाएगी वो? पापा जी आपको नहीं पता,
मम्मी घर से झूठ बोलकर सीधे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी मनाने चली गई थी। अरे बहू, तुमने क्या हम सब के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है? तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी पार्टी में गई थी? लेकिन मम्मी, अगर आपको किसी पार्टी में जाना ही था तो आपने घर पर हम लोगों से झूठ क्यों बोला? इसलिए झूठ बोला मम्मी जी ने, ताकि कोई ये ना कहे कि इस उम्र में भी उनको पार्टी करने का शौक है। उन्हें तो अपनी सती सावित्री वाली इमेज बनाकर रखनी थी ना। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मम्मी जी, आपने जो किया वो ठीक, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा, शाम के 5 बजे तक घर आ जाया कीजिएगा। वो क्या है ना, शाम को मुझे भी तो पार्क में घूमने जाना होता है, और फिर देर से खाना खाकर आप परेशान होती हैं, रात भर पेट में दर्द होता है और बार बार मुझसे दवाई मांगती है, इसलिए अगली बार ध्यान रखिएगा। अरे बहू, तुम तो जासूस की तरह नजर रखती हो, एक बार मेरी बात तो सुन लो, अपनी ही कही जा रही हो। अरे इसमें नजर रखने वाली क्या बात है, मैं तो आप सबका ख्याल रखती हूँ ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बहू, मैं अपनी सहेली से मिलने जरूर गई थी, लेकिन मेरी सहेली के घर पर पार्टी थी, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। अगर वहां पर पार्टी शुरू हो गई और उसने मुझे रोक लिया तो इसमें क्या परेशानी है? देखा अदिति, मम्मी ठीक कह रही हैं, इस तरह सबकी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफियर करना अच्छी बात नहीं है, और जिसे जो करना है वो करेगा ना, तुम सबकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। अरे इसे जिंदगी कंट्रोल करना थोड़ी ना कहते हैं, इसे तो केयर करना कहते हैं। भाभी, केयर करना उसे कहते हैं जिससे सामने वाला इंसान भी खुश रहे, लेकिन आप जो करती हैं ना, उसे प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा भाभी, कोई भी इंसान किसी दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आप भी वो कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी ना तो सिर्फ रिश्ते खराब होंगे। खुशबू ठीक कहती है, तुम बहुत अच्छी हो अदिति, बस ये सब लोगों पर अपनी नजर रखना और उनको बात बात पर टोकना बंद कर दो। अब अदिति की आंख खुल जाती है, अपनी इस आदत की वजह से सब लोगों के मन में अपने बारे में ये सोच देखकर वो अपने आप को बदलने का सोच लेती है।